भारत नेपाल बॉर्डर पर बनाए जा रहे सूखा बंदरगाह के लिए सरकार से मिले मिट्टी खोदने के ठेके में कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए नदी के बांध को ही खोद डाला, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने से गांव वालों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काम पर रोक लगा दी। उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील में भारत नेपाल बॉर्डर पर बहने वाली शारदा नदी में मिट्टी निकालते हुए नियमों के विपरीत खनन किए जाने से शारदा नदी किनारे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके खनन के कार्य को रुकवा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह शारदा नदी में बांध को काटते हुए खनन किया गया है, उससे अगर नदी का बांध टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। इसके साथ ही खनन से बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जो खंभे लगाए गए हैं लाइट के, वो तोड़े हुए हैं और मिट्टी मिट्टी पूरी जगह जगह रोड में ऐसी गिरा रखी है। कई लोग सुबह से 3 से 4 5 लोग फिसल चुके हैं, टुक टुक वाले इधर से उधर, गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं। उसके बाद भी हमने प्रशासन से, इनके अधिकारियों से, यूपी इरीगेशन के अधिकारियों को कई बार फ़ोन किया। हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके जो यूपी के जो ठेकेदार हैं, आपके जो खनन कर रहे हैं, मानसून आने के बाद तो ये बंद होता है। मेरा अधिकारियों से यही है और मेरा प्रशासन के लोगों से यही अनुरोध है कि ग्रामीणों को सुरक्षा को देखते हुए ये काम बंद कराया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मिट्टी निकालने का ठेका देने वाले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने शारदा नदी के बांध कटाव मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि खनन कार्य में लगी कंपनी ने गलत तरीके से यदि नदी के बांध को नुकसान पहुंचाया है तो कंपनी यदि जल्द बांध को ठीक नहीं करती है तो विभाग के द्वारा प्राइवेट कंपनी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हमें इस बारे में सूचना मिली है सुबह के समय, अब जो सूचना मिली है उसके रिगार्डिंग जो रिद्धि सिद्धि के प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम उनको सुबह फोन करके इस बारे में हमने डांट भी दिया है कि आपने जो डैमेज किया है, आपने अगर बैंक को आपने डैमेज किया है या जो भी जिस तरीके की स्थिति वहाँ पे है, उसको अभी इसी जाकर के अभी आज ही या आज कल में जो भी है उसको ठीक करवाया जा सके, स्थिति जैसी वहाँ पे थी वैसी ही करा दी जाए। वहाँ पे जो लोगों को परेशानी हो रही है ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, कि वहाँ के लोगों को परेशान होना पड़े हमारी वजह से, ऐसा कोई कार्य वहाँ पे नहीं करने देंगे हम किसी को, ऐसा विभाग हमारा अलाउ नहीं करेगा। और अगर ऐसा किया तो, अगर वहाँ पे ठीक नहीं किया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी उन पर जो भी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।